कहता है कि जितनी हमारी बहनें हैं ब्यूटिशियंस हैं, सबसे ज्यादा इज्जत मैं आपकी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि आप टैलेंटेड है, आप सीनियर्स का, हमारे टीचर्स का एहतराम करना चाहती है। और आप जो ये सेशन है, रिस्पेक्टेड मैम नेहा आसिम साहिबा, दोनों पाकिस्तान में जानी पहचानी जाती है, आज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा हाइड्रो पर। अच्छा जी, अभी बहुत सारी बच्ची है ब्यूटिशियंस कह रही थी कि सर हमें गिफ्ट नहीं मिला, तो मैंने उन्हें कहा गिफ्ट का इंतजार है, तो जिसका इंतजार था हेवंस ओमनीवर्ल्ड और व्हाइट बोर्ड की जानिब से मिसेस अबरा, जो कि सीईओ है ओमनीवर्ल्ड की, टेक्निकल एडवाइजर है मैम आसिया, इनके हाथ गिफ्ट भेजे हैं। जितनी हमारी ब्यूटिशियंस हैं आज यहाँ पर प्रोग्राम में शरीक हुई है, कोई ऐसी नहीं होगी कि आपको गिफ्ट ना मिले, तो जोरदार क्लब और स्पेशल आपकी क्लैपिंग होगी और इनका हौसला, इनकी हिम्मत। और गंजा फाउंडेशन ने हर प्लेटफॉर्म पर हमेशा पूरा साल इनको सपोर्ट करती है, इनके लिए वर्किंग करती है। हमजा फाउंडेशन स्पेशल पर्सन्स के लिए हमेशा पेश पेश, जोरदार तालियां जी हमजा फाउंडेशन के लिए। इनकी हौसला अफजाई करना हमारे ऊपर वाजिब है, एक दफा और जोरदार तालियां। आप सलामत रहे, आप खुश रहे, अल्लाह पाक आपको जिंदगी में, जैसे आप सर थोड़ा सा टची हो गए थे कि चीज़ें अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट दिया, इतना कुछ दिया, लेकिन मैसेज कन्वे करने के लिए जब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 112 अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसका करोड़ का शुक्र अदा करें कि जितना मैसेज कन्वे करते हैं, बताते हैं लोगों को, वो चीज़ें मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने साथ जो हो रही हैं। मेरी कहनी नींद में थी, मेडिसिन ली है मैंने अल्लाह ताला, तो ये चीज़ें आपको बहुत दूर तक लेकर जाती हैं, तो अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं हमें उसका करोड़ का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो लोग इन चीज़ों से महरूम हैं उनको हर तरह से सपोर्ट करें ताकि आने वाले वक्त में वो भी हमारे साथ हमारे बराबर चले, तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे इन चीज़ों को फेस करने की और हमें हिम्मत है इनके साथ सर्वाइव करने की। और स्पेशली हमारी जो ब्रीफिंग और डिस्कशन आज हाइड्रा के हवाले से है, हाइड्रा एक कम्प्लीट फेशियल ट्रीटमेंट है माशाल्लाह से, सच ये है जो हमारे यहाँ पे बहुत नॉलेज दिया है स्किन के हवाले से, थोड़ी सी पार्टिसिपेशन मैं भी करूँगी। हाइड्रा जहाँ टेक्निक्स आती हैं न्यू मशीनरीज के हवाले से, हाइड्रा एक प्रोफेशनल कम्प्लीट यूनिट है जिसके हवाले आप अपने सलोन पे अपने क्लाइंट को एक्नी के साथ प्रॉब्लम जब आती है, आपके पास फ्रैकल्स आते हैं, आपके पास ओपन पोर्स आते हैं, तो ट्रीट करने के लिए हमें अपनी यूनिट को कैरी करना किस तरह से है, हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन दूंगी आपको हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट के हवाले से, इसमें 7 टूल्स 7 प्रो के साथ आप अपने सलोन पे अपने क्लाइंट को ट्रीट करती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रो आपका ऑपरेशन बेसिकली डीप क्लीनिंग करता है, जो मैनुअली हम अपने क्लाइंट के फेस वॉश ब्लीचिंग प्रोसेस और बाकी चीज़ों के साथ प्रोसेस वर्किंग कर रहे होते हैं, ऑपरेशन डेप्थ में जाके पोर्स के अंदर से डेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है। इसके अलावा हम बाकी सीरम्स वगैरह स्किन के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, इतना डेप्थ में नहीं जाता, जितना सक्शन करने के दौरान इसमें जो एयर का प्रेशर बनता है आपकी स्किन का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा अप करता है, अप करने के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड सीरम, बी ऑयल कंट्रोल और सी एंटी एजिंग सीरम, तीनों सीरम अकॉर्डिंग टू स्किन आप अपने क्लाइंट की स्किन में डिपॉजिट कर सकती हैं। इसमें आप जो फिंगर्स के साथ पेनिट्रेशन होती है वो सक्शन मशीन के साथ डीपली पेनिट्रेट करेगा, क्लीनिंग करेगा, जैसे ही आप स्किन के ऊपर ऑपरेशन यूज करती हैं स्किन का पीएच लेवल अप करता है, रेड करता है, और साथ साथ सीरम्स को स्किन के अंदर बहुत अच्छा डिपॉजिट करता है। अकॉर्डिंग टू स्किन इसमें हमें सीरम लेना होता है,
इसके अलावा इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा काम करती है, 3 से 4 मिनट, और अगर हम इसमें वाटर थेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। आपकी स्किन को क्लीन तो करता ही करता है, साथ आपकी स्किन का मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा क्लीन बैलेंसिंग में लेकर आता है, और सीरम अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देता है। जहाँ पे डॉक्टर फेशियल ट्रीटमेंट हमारे क्लाइंट को जरूरत पड़ती है 15 दिन बाद या महीने बाद, एटलीस्ट 2 मंथ तक हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट आपकी स्किन को रिकवर करता है आफ्टर होम केयर ट्रीटमेंट मस्ट है। वैसे ये है कि हमारे क्लाइंट ने आजकल आगे उठा जाके ब्लीचिंग या स्टीरॉइड या नाइट क्रीम लगाई तो इसका वर्क वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके सीरम्स की वर्किंग स्ट्रॉन्गली है, स्किन के अंदर पेनिट्रेशन है, और मिनिमम 2 मंथ आफ्टर अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 1 मंथ, और अगर नॉर्मल स्किन के साथ प्रॉब्लम है तो ये आफ्टर 2 मंथ रिपीट कर सकती है। सेकेंड टूल हमारा जो है वो स्क्रबर है। तीनों कलर अवेलेबल हैं, मिनिमम आपके 100 क्लाइंट को ट्रीट कर रहा है। इसका मोनोवर लिक्विड जिसके साथ आप अपने नेल बनाते हैं, प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं, नेल की लाइफ जो है 15 से 20 दिन बाद भी, क्योंकि नेचुरली हमारे जो नेल हैं वो ग्रो करके 1 वीक के बाद रीफिलिंग मांगते हैं या कट मांगते हैं, तो इसी तरह से प्रोफेशनली अक्रेलिक जो नेल आपकी एक्सटेंशन हैं इनकी भी क्लाइंट को 15 दिन की लाइफ बताएं और 15 दिन के बाद ये रीफिल आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे। ये सेमी अस्थेटिक की जितनी भी चीज़ें हैं इनमें परमानेंट कोई चीज़ नहीं होती। कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में या मेरी परमानेंट करा दी उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये रीफिलिंग मांगती हैं। अगर आप अस्थेटिक की तरफ आते हैं तो इसलिए आपका क्लाइंट रेगुलर